हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई मैंगो घर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई मैंगो घर की कहानी। तारा एक गरीब लड़की थी। वो जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचती थी। तारा, आजकल तो अच्छी लकड़ियाँ लेकर नहीं आती, तेरी लकड़ियाँ आधी से ज्यादा सड़ी और बेकार होती हैं। मुझे सूखी और मजबूत लकड़ियाँ चाहिए, वरना मैं तुझसे लकड़ियाँ खरीदना बंद कर दूंगी। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा मत करिए, अगली बार से कोशिश करूंगी कि अच्छी से अच्छी लकड़ियाँ काट कर ला सकूं। ठीक है, मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर तूने अच्छी लकड़ियाँ नहीं लाई तो मैं किसी और से लकड़ियाँ खरीदना शुरू कर दूंगी। फिर अगले दिन से तारा जंगल में लकड़ियाँ काटने पहुँच जाती है। तभी उसे सूखा हुआ एक आम का पेड़ दिखाई देता है। ये पेड़ तो पूरी तरह सूख गया है, इसकी लकड़ी अभी अच्छी दिख रही है, चलो इसी को ही काट लेती हूँ। तारा जैसे ही उस पेड़ को काटने की कोशिश करती है कि तभी वो पेड़ तारा से कहता है, नहीं नहीं बेटी, मुझे मत काटो। अरे पेड़ तो बात कर रहा है। हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसीलिए मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन तुम तो पूरी तरह सूख चुके हो, और अगर मैं तुम्हें नहीं काटूंगी तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? जंगल से लकड़ियाँ काट कर ही तो मैं पैसे कमाती हूँ। बेटी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें एक जादुई आम दूंगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कहीं ये पेड़ मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? लेकिन एक बार इसकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं कल ठीक इसी वक्त यहाँ आऊंगी, लेकिन तुम मुझे धोखा मत देना। धोखा देना और झूठ बोलना तो इंसानों की फितरत है, हमारी नहीं। उसके बाद तारा वहाँ से चली जाती है और रात भर उस जादुई आम के बारे में सोचती है। अगले दिन सुबह होते ही तारा जंगल में उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती है। फिर वादे के मुताबिक पेड़ तारा को एक छोटा सा जादुई आम देता है। ये तो एक छोटा सा मामूली आम है, भला ये मेरी जिंदगी कैसे बदल सकता है? से ले जाकर तुम अपने घर के आंगन के बीच गड्ढा खोदकर गाड़ देना। फिर पेड़ की बात मानकर तारा अपने घर चली जाती है और आंगन के बीच में गड्ढा खोदकर आम को वहां दफन कर देती है। लेकिन तभी तारा की झोपड़ी वहां से गायब हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई? हे भगवान, लगता है ये कोई शैतानी पेड़ था और उसने मेरे साथ दगाबाजी की है। इतना कह कर तारा रोने लगती है, लेकिन तभी जमीन से एक बहुत बड़ा आम से बना हुआ घर बाहर निकल आता है। वो दिखने में बहुत सुंदर था। ये देख तारा खुश हो जाती है और उस घर के अंदर चली जाती है। तभी तारा को घर के कोने में एक छोटा सा आम का पौधा दिखाई देता है, जिस पर ढेर सारे सोने के आम लगे हुए थे। तारा उन सोने के आमों को बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। अरे वाह, मेरी जिंदगी तो पूरी तरह बदल गई, अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मैं इन पैसों से अपनी तारा गरीब लड़कियों की मदद करूंगी। इसके बाद तारा रोज गरीब लड़कियों में पैसे बांटना शुरू कर देती है। हम सब गरीब लड़कियों की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं हमेशा इसी तरह तुम लोगों की मदद करूंगी, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चली आना। उधर दूसरी तरफ कई दिनों से तारा ने नैना के पास लकड़ियां पहुंचाना बंद कर दिया था। इस वजह से नैना को तारा पर बहुत गुस्सा आता है। ये तारा की बच्ची अपने आप को क्या समझती है, इतने दिन हो गए
उसने मेरे यहाँ लकड़ियाँ नहीं पहुँचाई, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। इतना कह कर नैना तारा के घर पहुँच जाती है, लेकिन उसकी झोपड़ी की जगह सुंदर आम का घर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी नैना देखती है कि तारा अपने घर में लगे पौधे से सोने के आम तोड़ रही है। तो इस जादुई पौधे की वजह से तारा इतनी अमीर बनी है। आज रात को ही मैं इस पौधे को चुरा कर ले जाऊंगी, उसके बाद मुझे भी रोज ढेर सारे सोने के आम मिलेंगे और मैं जल्दी करोड़पति बन जाऊंगी। फिर रात होते ही नैना सोने के आम का पौधा चुराने के लिए तारा के घर पहुंच जाती है, लेकिन आम के पौधे को हाथ लगाते ही नैना एक आम में बदल जाती है। उसके बाद पौधे से एक हाथ बाहर निकलता है और आम बनी हुई नैना को उठाकर हवा में घुमाते हुए दूर फेंक देता है। वो आम गांव के बाहर कचरे के ढेर में जा गिरता है। उस दिन के बाद से नैना कभी किसी को दिखाई नहीं देती और जिंदगी भर आम बनकर कचरे में पड़ी रहती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई मैंगो घर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर दूसरों की दौलत पर नजर रखनी नहीं चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत खतरनाक होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।